आप ज्यादातर वीक फील करते हैं, किसी काम में मन नहीं लगता, नींद पूरी ले भी लें तो भी दिन भर आलस ही रहता है, विल पावर सी ही नहीं होती। नहीं, आप ना तो लूजर हैं ना ही डिमोटिवेटेड, आप एक्चुअली एक्सेसिव अमाउंट्स में शुगर खा रहे हैं। जॉन इब्राहिम कहते हैं उन्होंने पिछले 25 सालों में अपनी फेवरेट काजू कतली को हाथ तक नहीं लगाया है। शुगर आज के युग की सबसे बड़ी और इजीली अवेलेबल पॉइजन है, जो स्मोकिंग से भी ज्यादा खतरनाक है। एंड अनफॉर्चुनेटली ये पॉइजन अनजाने में हम सभी रोज अपने बच्चों को खुशी खुशी दे रहे हैं। इसीलिए मैं तो शुगरलेस ऑप्शंस और डाइट स्वीटनर्स पर स्विच हो गया हूँ, और सुपरमार्केट से कुछ भी लेने से पहले जीरो शुगर का लेबल चेक किए बिना कुछ लेता ही नहीं हूँ। अब मैं तो शुगर कंज्यूम ही नहीं करता और बिल्कुल सेफ हूँ। बिल्कुल गलत। कुछ डाइट या आर्टिफिशियल स्वीटनर्स शुगर से भी ज्यादा हार्मफुल होते हैं, कैसे आइए जानते हैं आज इस वीडियो में। हमने एक डीप डाइव किया दुनिया भर के 20 से ज्यादा रिसर्चेस में, जहां शुगर के बारे में शॉकिंग इन्फॉर्मेशन को एक्सपोज किया गया है। आज हम उसके कुछ इम्पोर्टेंट स्निपेट्स एक बेहद ही इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में आपके लिए लेकर आए हैं। हमारी लाइफ में काफी सारे स्वीट बनने वाले लोग अक्सर अपने अंदर हेट और जलसी रखते हैं। वैसे ही स्वीट टेस्ट करने वाली ऑलमोस्ट हर चीज हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती है। शुगर हमारी बॉडी में 45 से भी ज्यादा डिजीजेस का रूट कॉज होती है। आप शायद नहीं जानते, पर ग्लोबली एक शुगर लॉबी एग्जिस्ट करती है, जो नहीं चाहती कि आप तक शुगर का काला सच पहुंच पाए, क्योंकि अदरवाइज बड़े बड़े कॉन्ग्लोमरेट रातों रात लॉसेस में चले जाएंगे। शुगर से होने वाली कई सारे डिजीजेस में से कुछ मोस्ट कॉमन कंडीशंस हैं वेट गेन, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, टूथ डिके, इन्फ्लेमेशन, स्किन एजिंग, मेंटल हेल्थ, फैटी लिवर डिजीज, पुअर स्लीप कंडीशंस, गाउट, मूड स्विंग्स एंड फटीग। और तो और, शुगर खाने से आपकी बॉडी में कैंसर सेल्स तक पनप सकते हैं। क्या आपको लगता है इनमें से कोई डिजीज आपके किसी नियर एंड डियर वंस को शुगर खाने की वजह से हुआ है? नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। WHO ने बताया है शुगर की रोज की सेफ लिमिट है 9 टीस्पून्स, बट एवरेज इंसान रोज खा रहा है 18 टीस्पून्स, यानी सेफ लिमिट से जस्ट डबल। वो चाहे आपकी चाय में हो, या कॉफी में, या कैन जूस में, या स्वीट्स, चॉकलेट, ब्रेड, बंस, सोडा, प्रोसेस्ड फूड, केचप, सब में भरपूर मात्रा में शुगर डाली जाती है। इतनी शुगर खाने से आपको शुगर एडिक्ट बनाया जा रहा है और आपको पता भी नहीं चलता है। बट एक मिनट, शुगर खाना एडिक्शन कैसे हुआ? एडिक्शन आपकी वो आदत या कमजोरी होती है जिस पर आपका ज्यादा कंट्रोल नहीं होता। ये एक्टिविटी आपके ब्रेन में डोपामाइन सेंटर को हिट करती है और आपका ब्रेन इसको एक रिवॉर्ड की तरह देखता है। गैम्बलिंग, शॉपिंग, गेमिंग, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, बिंज वॉचिंग, ये कुछ कॉमन बिहेवियरल एडिक्शंस होते हैं। इसके साथ ही साथ ड्रग्स, अल्कोहल, स्मोकिंग और एक्सेसिव शुगर खाना केमिकल एडिक्शन में काउंट होता है। वो लोग जो खाने के बाद मीठा खाते ही खाते हैं और बोलते हैं दैट आई हैव अ स्वीट टूथ, उन्हें एक्चुअली शुगर एडिक्शन होता है। क्या आपको भी शुगर एडिक्शन है, या हर मील के बाद आपको कुछ मीठा चाहिए ही चाहिए? अगर ऐसा है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। बट हमारी बॉडी को आखिर शुगर हार्म करती कैसे है? तो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मेरे घर में अराउंड 10 प्लांट्स लगे हुए हैं। अब ऑब्वियसली उन प्लांट्स को धूप और पानी दोनों चाहिए। अब अगर मैं उनको जरूरत से ज्यादा पानी दे देता हूँ तो भी वो मर जाएंगे। हमारी बॉडीज भी इसी तरह फंक्शन करती है। हमारी बॉडी को कोई भी काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। ये एनर्जी हमें हमारे खाने से मिलती है। खाने में तीन मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। विदाउट गोइंग इनटू टू मच डिटेल, बस ये समझ लीजिए कि प्रोटीन से हमारी मसल बनती है, कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी देता है, और फैट हमारी बॉडी में एनर्जी का रिजर्व तैयार करता है। हमारी मसल्स को फंक्शन करने के लिए ग्लूकोज की जरूरत होती है, बट इसके लिए क्या आप पूरे दिन ग्लूकोज पाउडर खाते रहते हैं क्या? ऑफ कोर्स नॉट। हमारी बॉडी रोज रोटी, राइस, मिल्क, पोटैटोस, वेजिटेबल्स एटसेट्रा से निकले कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट करती है और उसे सिंपल शुगर्स या ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है। ग्लूकोज के लिए आपके बॉडी को मीठा खाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि एक बड़ी क्वांटिटी में रोज कार्बोहाइड्रेट्स तो आप खा ही लेते हैं। एक्स्ट्रा शुगर अपनी बॉडी में डालना बिल्कुल ऐसा है जैसे पेड़ों को जरूरत से ज्यादा पानी देना। इन एक्स्ट्रा स्वीट चीजों से सिर्फ आपकी बॉडी का नुकसान ही हो सकता है। अब इसको आप साइंटिफिकली समझिए। शुगर या ग्लूकोज हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होने के बाद ब्लड स्ट्रीम में पहुंचता है। हमारा ब्लड ग्लूकोज को लिवर तक पहुंचाता है, जहां पैनक्रियास पोर्टल वेन के जरिए इंसुलिन नाम का हार्मोन भी पहुंचाती है। इंसुलिन हमारे सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया को ग्लूकोज एब्जॉर्ब करने का सिग्नल देता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है और वो हमारी बॉडी में कैसे एनर्जी बनाता है, इसको एक बड़े ही इंटरेस्टिंग वीडियो में हमने समझाया है, जिसको आप यहां आई बटन पे देख सकते हैं। तो जब आप डेली लाइफ में एक्सेसिव शुगर खाते हैं तो आपकी बॉडी में ग्लूकोज स्पाइक होता है। इसके रिस्पॉन्स में आपकी बॉडी ज्यादा इंसुलिन बनाती है,
जिसको इंसुलिन स्पाइक भी कहते हैं। एक्सेसिव शुगर जब काफी टाइम तक आप खाते हैं तो आपको फैटी लिवर होने का भी डर होता है, जिससे लिवर फेलियर, लिवर कैंसर और डिफरेंट टाइप ऑफ हार्ट डिजीज भी हो सकते हैं। एक पॉपुलर अमेरिकन एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डॉक्टर रॉबर्ट लस्टिक की माने तो 1980s में जहां लोगों ने फैटी लिवर के बारे में सुना भी नहीं होता था, वहीं आज ऑलमोस्ट 45% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन फैटी लिवर से जूझ रही है। इस डिजीज को ट्रिगर करने वाला विलेन शुगर ही है। डॉक्टर लस्टिक कहते हैं कि फैटी लिवर एक ऐसा पेंडेमिक है जिसके बारे में कोई डिस्कस ही नहीं करता। एनीवे, जब इतने ज्यादा ग्लूकोज वाला ब्लड आपके सेल्स तक पहुंचता है तो सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया उसे पूरी तरह प्रोसेस नहीं कर पाता। इसे माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन भी कहते हैं और ये इंसान को प्री डायबिटिक स्टेज में पहुंचा देता है। एक्सेसिव ग्लूकोज को कम करने के लिए हमारी बॉडी ज्यादा से ज्यादा इंसुलिन बनाती है, जिससे पहले तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है और फिर फाइनली टाइप 2 डायबिटीज भी हो जाती है। एक्स्ट्रा इंसुलिन की वजह से थोड़ी देर बाद आपकी ब्लड शुगर काफी लो हो जाती है और आपकी एनर्जी क्रैश कर जाती है। तो आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि जितनी बार आपका ब्लड शुगर स्पाइक होता है या इंसुलिन स्पाइक होता है, उतनी बार आपकी लाइफ कम हो रही होती है। दुनिया अब समझती जा रही है कि शुगर उनके लिए धीमे जहर की तरह है। नाउ अ वेरी क्विक Q&A राउंड। अगर फिर भी चॉकलेट्स या मिठाई खाने का मन करे तो उसे खाने का सही तरीका क्या है? ये सब सुनने और समझने के बाद भी अगर आपको कुछ मीठा खाने का मन हो तो उसे हाई फाइबर मील के साथ खाइए। फॉर एग्जाम्पल, जो हम सैलेड और वेजीज खाते हैं उसमें काफी फाइबर होता है। इसके साथ अगर आप मॉडरेट क्वांटिटी में मीठा खाते हैं तो आपकी बॉडी में शुगर स्पाइक नहीं होता और शुगर से होने वाले नुकसान से भी आपकी बॉडी बच जाती है। बस इसी आदत को धीरे धीरे फेज आउट करना आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स लेने से कोई प्रॉब्लम होती है क्या? आर्टिफिशियल स्वीटनर में एस्पर्टेम नाम का केमिकल होता है। ये पोटेंशियली आपके अंदर न्यूरोसाइकियाट्रिक रिएक्शंस कर सकता है, जिससे आपको हेडेक्स और डिप्रेशन भी हो सकते हैं। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने इसी साल अनाउंस किया है कि एस्पर्टेम पॉसिबली कार्सिनोजिक सब्सटेंस है और ये लिवर कैंसर भी दे सकता है। एस्पर्टेम कॉर्टिसोल लेवल्स को बढ़ाता है, जिससे आपकी बॉडी में फैट स्टोर होने लगता है। आपके गट में माइक्रोब्स यानी गुड बैक्टीरिया का नेचर चेंज कर देता है, आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है। तो कहने का मतलब है, नॉर्मल शुगर अगर एक कुआं है तो एस्पर्टेम एक खाई। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपके फैमिली मेंबर्स डाइट सोडा या जीरो सोडा या शुगरलेस चॉकलेट्स खाएं तो उसके पैक के पीछे एस्पर्टेम जरूर देख लीजिएगा। अगर एस्पर्टेम मेंशन्ड है तो उसे कंज्यूम करने से अवॉइड करिए। क्या कोई ऐसा सब्सटेंस है जिससे हम शुगर को रिप्लेस कर सकते हैं? स्टीविया और ज़ेलिटॉल दो काफी पॉपुलर स्वीटनर्स हैं, पर इन पर भी अभी ज्यादा रिसर्च नहीं हुई है। ये आपकी बॉडी के लिए कितने सेफ हैं, ये पूरे कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कहा जा सकता। हनी, जागरी या गुड़ या कोकोनट शुगर को लोग अच्छा सब्स्टिट्यूट मानते हैं, पर ये भी आपकी बॉडी में इंसुलिन स्पाइक करता है। ज्यादा क्वांटिटी में ये उतने ही डेंजरस हैं जितना शुगर। तो हम शुगर के बारे में आज की लर्निंग को समराइज कर सकते हैं। शुगर हमें अनस्टेबल एनर्जी देती है, जिसके अपने हाइज और लोज होते हैं, और इस तरह की अनस्टेबल एनर्जी हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती। शुगर आपको कुछ दे सकती है तो वो है सिर्फ एक चीज, जी हाँ, गिल्टी प्लेजर। ये आपके ब्रेन की रिवॉर्ड सेंटर यानी डोपामाइन को पूरी तरह कंट्रोल करती है, विच इज नॉट अ गुड थिंग। एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा डिपेंडेबल सोर्स हैं। काफी सारे वायरस, बैक्टीरिया, फंगस एंड इवन कैंसर के लिए शुगर उनका फ्यूल होता है। सुपरमार्केट से खरीदी हुई ज्यादातर चीजों में शुगर इनसेन क्वांटिटीज में भरी होती है, तो सबसे पहले उनके इंग्रेडिएंट्स को पढ़िए तभी कोई चीज खरीदी। तो फाइनली सवाल उठता है कि इस शुगर से बचने के लिए आखिर क्या किया जाए? तो शुगर से बचने के लिए आपकी टॉप टिप्स हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और इस कम्युनिटी के साथ शेयर कीजिए, और साथ साथ ये भी बताइए कि शुगर छोड़ने के बाद वो रिजल्ट्स कैसे रहे।